हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं छेना कोफ्ता करी। उसे बनाने के लिए हमने ये 1 लीटर काउ मिल्क लिया है, गाय का दूध। इसे हमने गर्म करने के लिए रखा है। फ्रेंड्स, हमारे दूध को बॉईल आ चुका है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। चम्मच विनेगर में 2 चम्मच पानी, नॉर्मल पानी डाल के इसका ऐसा ये बना लिया है लिक्विड। बॉईल करके ठंडा हो चुका है 10 मिनट के लिए हमारा दूध, तो अभी हम इसे फाड़ेंगे। तो पहले तो मैं ये जो इसके ऊपर मलाई आई है ये इसमें ही मिक्स कर लेती हूँ और अब हम धीरे धीरे ये इसमें डालेंगे। धीरे धीरे से ही फाड़ना है। जितनी जरूरत है उतना ही विनेगर इसमें डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये छेना अलग हो रहा है और ये ग्रीन वाला पानी अलग हो रहा है। वापस से 1.5 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये हमने ये एक बर्तन रख लिया है, इसमें ये छाननी रख ली है। ये गीला कपड़ा हमने इसमें डाला है, तो अभी हम इसे छान लेते हैं। ये देखिए हमारा छेना कितना अच्छे से निकला है। अभी हमें ये छेने को ठंडे पानी से धोना है। इससे 2 चीज़ें होगी, एक तो इसका जो प्रोसीजर है वो स्टॉप हो जाएगा और दूसरा इसमें जो स्मेल है वो निकल जाएगा। इसलिए हम इसे धो लेंगे ठंडे पानी से। ये हमने फ्रीज का पानी लिया है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं और किसी भी जगह हम इसे ऐसे टंगे हुए रख देंगे। 1.5 घंटे के लिए हम इसे ऐसा ही रखेंगे। बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया है जिसमें हम ये प्याज बॉईल करने के लिए डालेंगे और इसके साथ में ही ये काजू हमने लिए हैं, 10-10 एक काजू है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी दोनों को हम अच्छे से बॉईल होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने प्याज को और काजू को पका लिया है। अभी हम ये निकाल लेते हैं इसमें से। इसमें हम ये टोमेटो डालेंगे। ये टोमेटो को मैंने ऊपर का पोर्शन निकल के ऐसे कट दे दिया है ताकि मुझे इसका छिलका उतारना है, तो मैं ये इसमें ऐड कर देती हूँ। ये बॉईल किए हुए प्याज और काजू के हम पेस्ट बना लेते हैं। ये प्याज और काजू के बीच में हम थोड़ा सा दूध डाल के इसके अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी काजू और प्याज की कितनी अच्छी पेस्ट बन के तैयार हो चुकी है। हमारे टमाटर का ऊपर का जो छिलका है वो सॉफ्ट हो चुका है। गैस के फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा करके छिलका उतार के पेस्ट बना के लेते हैं। देखिए, छेना कोफ्ता करी की ग्रेवी बनाने के लिए प्याज और 10 काजू को हमने बॉईल करके लिया था, उसका दूध डाल के पेस्ट बना के लिया है। ये 3 हमने टमाटर छिलका उतार के उसका भी पेस्ट बना के लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है। ये कुछ धनिया पत्ते हमने बारीक कट करके ली है। 1/2 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। ये ग्रेवी हम दूध में ही बनाने वाले हैं तो इसलिए मैंने ये 1/2 कप दूध भी लिया है और ये थोड़ा सा मीठा टेस्ट लाने के लिए इसमें हम मिल्क में डालने वाले हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं छेना कोफ्ता करी की ग्रेवी। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है, इसमें हम ये 1 टेबलस्पून बटर डाल लेते हैं। स्टार्ट में हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इस ग्रेवी में हम किसी भी तरह का कच्चा मसाला कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, खड़ा मसाला जिसे बोलते हैं वो। 1.5 मिनट के लिए हम जिंजर गार्लिक को ऑयल और बटर के साथ अच्छे से भून लेंगे। हम जो प्याज और काजू का पेस्ट है ये इसमें ऐड करते हैं।
और इसे कंटिन्यूसली हम हिलाते हुए पकाएंगे। इसे अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ये टोमेटो प्यूरी बनाएंगे वो ऐड कर लेंगे, और इसे भी कंटिन्यूसली हिलाते हुए हम अच्छे से पकाएंगे। इसे हमने 4-5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए ऐसे ही ओपनली पकाया है, पर अभी हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और इसको वापस से 3-4 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये फ्रेंड्स ढक्कन खोल के चेक करते हैं, ये देखिए 4-5 मिनट हमने इसे अच्छे से ढक के पकाया है, हमारी ग्रेवी भी ठीक हो गई है। अभी हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ये धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम एकदम कम डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, साथ में ही नमक डाल लेंगे। ये देखिए नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। ये मैं ब्लैक पेपर पाउडर भूल गई थी बताना, ये ब्लैक पेपर पाउडर हमने लिया है 1/2 टीस्पून, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। एक टेबलस्पून मिल्क में डाल देती हूँ, इससे इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा आएगा, ज़्यादा मीठा नहीं होगा पर उसमें क्रीमी भी बनेगा और टेस्ट में भी थोड़ा सा मीठापन आएगा। ये ग्रेवी को और क्रीमी बनाने के लिए ये हमने दूध लिया है, जो पहले भी हमने प्याज और जो हमने काजू का पेस्ट बनाया था उसमें भी यूज़ किया था, और ये अभी ज़रूरत के अनुसार इसमें भी हम डालेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें अभी डाल लिया है पूरा, और अभी वापस से हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और इसे पकने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने छेना बना लिया था, इसको बना के हमने 1.5-2 घंटे ऐसा ही टांग के रखा था। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। अभी इसमें हम ये एक उबला हुआ आलू ऐड करेंगे, जो मैं घिस के डाल रही हूँ इसमें, ताकि लम्स नहीं हो, एकदम सॉफ्ट बने। ये ढक्कन खोल के हम ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ग्रेवी को कितना अच्छा कलर आया है। मैं अभी इसको ऑफ करके ऐसे ही रहने देती हूँ, और जब मैं कोफ्ता बनाऊँगी तो उसके ऊपर डाल के मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। ये थोड़ा सा मैं गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, और थोड़ी सी धनिया पत्ती मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और ये मिक्स करके मैं इसे साइड में रखती हूँ। 2 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेंगे, नमक स्वाद अनुसार वो भी इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्च एक हमने बारीक कट करके ली है, और थोड़ा सा हमने अदरक को भी ऐसे ही बारीक कट करके लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जिनको मैंने बारीक करके लिया है, ये भी मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी। ये मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती इसमें ऐड कर देती हूँ, और इसके हम बॉल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली है, और इसका ऐसा जैसे हम आटे का गोला लगाते हैं वैसे लगा लिया है। अभी मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ, तरह से हम इसे इसकी बॉल बना लेंगे। आपको जो साइज़ की चाहिए वो साइज़ के आप बना सकते हो, मैंने मीडियम साइज़ के बनाए। ये हमने छेना कोफ्ता के सभी बॉल बना लिए हैं, अभी इसे हमें सिर्फ इस तरह से ड्राई ही कॉर्नफ्लोर में कोट करना है, ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो हम जब इसे फ्राई करेंगे तो ये ऑयल में मेल्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए हमें इस तरह का कोटिंग इसे करना पड़ता है। तो ये सभी को मैं इस तरह का कोटिंग कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सभी बॉल को हमने अच्छे से कोट कर लिया है, अभी हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। ये बॉल्स हम इसमें डालेंगे, और एकदम मीडियम पे हमने गैस रखा है, धीरे धीरे इसे फ्राई होने देंगे।
पाँच छः बॉल डाल देती हूँ। बॉल्स को हम पलट लेंगे, देखिए फ्रेंड्स इसे अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम ऐसे ही फ्राई करें। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे कोफ्ते पे कितना अच्छा कलर आया है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये बाकी के भी कोफ्ते अब हम फ्राई कर लेते हैं और इसी तरह से सभी कोफ्ते को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कोफ्ते को कितना अच्छा कलर आया है और ये अंदर से एकदम सॉफ्ट और नरम है और बाहर से एकदम क्रिस्पी बने हैं। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स पहले तो मैं इसका आपको आवाज सुनाती हूँ कि ये बाहर से कितने क्रिस्पी है और दूसरा मैं इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने अच्छे से पके हैं। ये देखिए मतलब ये पूरी तरह से अंदर से पक चुके हैं। जब भी हमें कोफ्ता सर्व करना है तभी हमें उसके ऊपर ग्रेवी डालनी है, पहले से ग्रेवी में कोफ्ते डाल के नहीं रखने हैं। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, अभी मैं ये इसके ऊपर डाल के आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम हमारी कोफ्ता करी बन के तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।